तो जवान का ट्रेलर आ चुका है एंड दैट ट्रेलर इज रियली समथिंग। देखो ट्रेलर वाकई में बहुत अच्छा है एंड मैं इस ट्रेलर की घंटों बैठ के तारीफ कर सकता हूँ क्योंकि मूवी का ट्रेलर एक्चुअली में डिजर्विंग है। एक एक फ्रेम को देख के लगता है कि भाई काफी मेहनत की गई है इसकी पिक्चर VFX में। तो खैर ट्रेलर की बात करें तो ये ट्रेलर 2 मिनट 45 सेकंड का है एंड एक मूवी के ट्रेलर को जो काम करना चाहिए वो जवान का ट्रेलर बखूबी करता है। मतलब स्टोरी से कुछ ज्यादा रिवील नहीं करता लेकिन हाइप तगड़ी बना के जाता है। ऑल्दो इस ट्रेलर को देखने के बाद स्टोरी एलिमेंट्स में से कुछ चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो चुकी है बट वो कोई मेजर स्पॉयलर्स नहीं होने वाले मूवी के। एंड जैसा कि मैंने पहले अपने जवान के प्रीव्यू वाले वीडियो में बताया था कि SRK के इतने सारे लुक्स हैं मूवी में कि स्टोरी प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है। लेकिन वो जो नेट पे थ्योरी वायरल हो रही थी SRK के बाप और बेटे दोनों के कैरेक्टर को प्ले करने वाला, वो थ्योरी बहुत हद तक सही हो गई एंड इसी ट्रेलर के एंड में वो चीज आप देख सकते हो जहां SRK एक बहुत तगड़ा डायलॉग मारते हैं एंड भाई वो डायलॉग चिल्स दे देता है लिटरली। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। एंड आई थिंक या फिर शायद मेरे लिए ही वो वाला सीन इस पूरे ट्रेलर का एकदम पीक वाला मोमेंट था। इसी के आगे ट्रेलर के एंड में अपने को वो SRK का बेल्ट वाला सीन देखने को मिलता है जहां भाई वो दांतों में सिगरेट फंसा के बेल्ट से लोगों को मार रहा होता है। अब ये सीन एक्चुअली में 6 या 7 महीने पहले एक बार लीक भी हो चुका है एंड तब भी बहुत तगड़ी हाइप बनी थी सीन को लेके। अब ट्रेलर में तो अपने को रामैया वास्तवैया का जो ओरिजिनल वर्जन है उसके साथ इस सीन को दिखाया गया है पर जब थिएटर्स में अपन इसको अनिरुद्ध के फुल फ्लैश्ड बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ देखेंगे तो वो अलग लेवल की ही वाइब होने वाली है। एंड मेरे ख्याल से बॉलीवुड में ऐसी मूवी बहुत दिनों बाद बन रही है एंड ऐसी मूवीज और चाहिए अपने को बॉलीवुड के अंदर, तभी बॉलीवुड जाके रिवाइव हो पाएगा। लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए और वो एंटरटेनमेंट इस मूवी के अंदर है। फर्स्ट रिएक्शन इस ट्रेलर को देखने के बाद मेरा बहुत गजब का था क्योंकि मुझे ट्रेलर वाकई में बहुत ज्यादा पसंद आया एंड मेरा पहला रिएक्शन यही था कि भाई मेरा माइंड ऑलरेडी ब्लू हो चुका है। साथ ही साथ इस ट्रेलर से ये भी पता चल चुका है कि VFX शॉट्स काफी होने वाले हैं इस मूवी में। अप्रॉक्स 4000 VFX शॉट्स हैं इस मूवी में और अगर ये नंबर्स तुम्हें कम लग रहे हैं तो भाई जो ब्रह्मास्त्र फुल VFX मूवी थी, मतलब ऑलमोस्ट हर 2 मिनट में कोई बंदा पावर्स यूज कर रहा था, उसमें सिर्फ 4500 VFX शॉट्स थे। 500 VFX शॉट्स का अंतर है तो तुम समझ सकते हो कि जवान में भी कम VFX शॉट्स नहीं है। ऑल्दो ब्रह्मास्त्र की तरह ही इनका भी VFX बहुत सही लग रहा है अभी तो। बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक तो तगड़ा है ही क्योंकि अपने अनिरुद्ध भैया ने मस्त काम किया इस मूवी के अंदर। साथ ही साथ एटली ने भी दिल जीत लिया भाई और उनके लिए इज्जत बढ़ चुकी है भाई दिल में क्योंकि स्टोरी राइटिंग और डायरेक्शन एक नंबर का है मूवी में। मूवी को आने में सिर्फ 7 दिन बचे हैं, ये ट्रेलर हाइप बहुत तगड़ी बना देता है एंड प्रोबेबली ये मूवी बॉलीवुड की दूसरी मूवी बनेगी जो इस साल 1000 करोड़ टच करेगी। हालांकि जवान का 1000 करोड़ टच करने का चांस 50-50 है क्योंकि 21 दिन बाद ही सालार आ जाएगी तो ज्यादा दिन का थिएट्रिकल रन रहेगा नहीं इस मूवी का। पर एक चीज तो जरूर श्योर है वो ये है कि ये मूवी 100 करोड़ प्लस की ओपनिंग लेगी अपने डे वन पर एंड इसी के साथ SRK पहले बॉलीवुड के एक्टर बनेंगे जिनकी 2 मूवीज ने 100 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग ली हो। आपके क्या ओपिनियन है जवान मूवी के ट्रेलर के बारे में आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दोस्तों के साथ शेयर करो भाई और साथ में जवान देखने जाओ क्योंकि अकेले देखने का मजा नहीं आएगा। ये एक मासी मूवी है और मास मूवी अकेले देखने में कभी फील नहीं आती। तो खैर आज के लिए बस यही था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अवि एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अवि।